जी, तो आज तो हम इसे मौसम और इसी जगह पहुंच गए जिसकी हमने कल्पना भी कौन करी थी। सवेरे पहले हम उठे, आज हमारी क्लास खत्म हो चुकी थी और हमारा प्लान था एक टूर पे जाने का। तो आज एक्साइटमेंट में जल्दी उठ गई थी, मैंने मोई ठाया लेकिन एक बार हाथों लागी दोबारा मुंह ढक लिया, बोला जब चाह बन जाए जब ठा दियो मैंने। और मैं तो नहा धोगी तैयार हो गए थे, मन ने पहले अपने बाल सुखाने थे, इतने सारे ने चाह चू भी पी ली थी। सब तो महाभारत जैसा काम यो था कि हमने सारा सौदा पैक करना था। कुछ तो हम पहले रात ने पैक कर चुके थे लेकिन कुछ सामान भी बच रहा था, जो 10 दिन का इतना सामान इकट्ठा हो रहा था कि मैं हमने शॉपिंग कर की कई बैग एक्स्ट्रा कर दिए थे। तो ऐसा काम हो रहा है, ये बैग हमने हला हला की ठोके हैं, मसा सीन की चैन बंद हुई है, एक गाड़ी सामान तो हमने इकट्ठा कर लिया है। ये हमारे 10 बैग जो थे ये हमने इकट्ठे करके रूम तक बाहर काट दिए और हम सारे हो गए हैं रेडी। सारे अपना अपना सामान लेके नीचे चाल पड़े, घेड़े मारने पड़े इस सामान खातर। नीचे गए जब यह रंग बिरंगी बस खड़ी कर रखी थी, इसका न्यू कौन मेरा बेटा था, रंग की साइज का इतने डाल के कलर कर रखे थे। खड़े होगी बाट देखा था इतनी देर में जय गाड़ी लेन चला गया, और गाड़ी में यो सारा सामान लोड करना भी अपना आप में एक टास्क था। लेकिन दीपिका हमारी घनी शानी छोरी है, सारा सौदा इसने जमा सेट कर दिया, कर ले भी नहीं, बाकी अगली सीट तक सामान आ रहा था। हम भी मसा बैठे हैं गाड़ी में, भगवान का नाम लेके हमने कर दिया अपना सफर शुरू। लेकिन 10 मिनट चले थे, इतनी देर में हमने थोड़ा थोड़ा भूख का एहसास हो गया और मखा पहाड़ा में मैदा खाना तो अच्छा है, आड़े की मैं खा के चल पड़ा। तो मोहित ने बोला मैं खाऊंगा आलू के पराठे, तो इस ढाबे पर रुके, लेकिन हमारा जमाई जी कौन खा, सवेरे सवेरे तेल खा के चला, कदे पहाड़ा में बढ़ती उल्टी लागन लाग जाए हमारे, इसलिए हम दूसरे ढाबे पे गए जो कि डोसा रत्नम था। कि दीपिका ने यह कमान संभाली कि मैं खिलाऊंगी आज तुम्हें साउथ इंडियन, क्योंकि दीपिका कई साल साउथ में रह के आ रही है, तो उड़े की सारी डिशेज के बारे में बेरा है इसने। अपने गले कोई सा ऐसा एक्सपर्ट आदमी हो उसके फायदे भी गणे हो। हमने यो कर्ड राइस ऑर्डर कराया था, इसके ऊपर भाई ने एक मिर्च धरकी दे रखी थी, हम तो उसने साइड में काट की बगाओ थे, लेकिन दीपिका ने मारती बताई कि यह क्रश करनी हो है इसके भीतर। अपनी पेट पूजा करने के बाद हम अपना आगे का सफर शुरू कर दे, और पहाड़ा में एंट्री होती है भाई एक नई वाइब, बढ़िया सी वाइब आ जाए। अगर यो आ गया है हिमाचल का पहला टोल अराड़ा तक, हमने न्यू डिसाइड कौन कराया था कि हमने कौन सी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है। हमारे सारे टूर ऐसे होया करे, घर तक सोच के कौन चलना, उड़ा जाके आना है, राम है सोच लिया आड़े पहुंचांगे भाई। जुकर हमने शिमला क्रॉस करी, मौसम थोड़ा थोड़ा बदलने लग गया, सनरूफ का भी हमने पूरा पूरा फायदा उठाया दोनों ने। बाहर मुंह काट के देखा तो इतनी शीली हवा लग गई थी और जमा फ्रेश, जमा हमारा तो मूड भी फ्रेश हो गया, माइंड भी फ्रेश हो गया और जमा जी सा आ रहा था। किसी और आगे चल ले तो बहुत घना मौसम खराब होता जान लग रहा था। मन ने तो नीचे बैठ के पहली वेदर देखा, और वेदर में देखा तो हमारी आंख पार्टी की पार्टी रहेगी, क्योंकि स्नोफॉल दिखा रखा था। हमारी किस्मत इतनी बढ़िया की ऊपर है कि हम स्नोफॉल में पहुंच जावा, क्योंकि इस बार तो देखो भाई लोग इतनी बार जाया है पहाड़ा में स्नोफॉल देखने नहीं मिला। बनाए लंबा सफर हो लिया था, दीपिका बोली पहले चाय पियेंगे उसके बाद कोई होटल ढूंढेंगे। हमने एक टपरी पे अपनी गाड़ी रोकी, रूडे पी चाह साथ में खाया थोड़ा बहुत खाना। एक और खास बात बताऊं, मैं रास्ते में मैं कदे होटल देखू थी, मखा कदे कुफरी रुकना पड़ जाए तो उड़ा के होटल तो देख लूं। कम कम रेट दिखाओ था गोड्डा पे मेक माई ट्रिप पे, लेकिन जैसे ही स्नोफॉल स्टार्ट हुई इन सब के रेट डबल हो लिए थे। फाइनली आधा घंटे सर्च करने के बाद हमने एक होम स्टे मिल गया था, और जब हमने जाके देखा तो बहुत प्यारा सा होम स्टे था, जमा एकांत सी जगह पे था। इसमें एक के ड्रॉबैक था कि सीढ़ी पार करके इसमें जाना पड़ा था, और सीढ़ियां पे पड़ रही थी बर्फ, जमा मसा मसा पार्टी के थे, लेकिन हम भी थक लिए थे, हमारा और कुछ ढूंढने का मन कौन था। हमने यो फाइनल कर दिया, और इसके रूम बहुत अच्छे थे। मैं अपना सामान जचाया कमरे में और बाहर निकड़ लिए मौसम का एंजॉय लेने खातर। हर जाके सबसे पहली बनाई मैंने अपनी क्लिनिक वाली रील, और तमने भी बता दियो अगर किसी का भी बहुत ज्यादा खांसी जुकाम हो जाए इस बदलते मौसम में तो उन खातर रस्टोक्स बहुत बढ़िया मेडिसिन है। लिए थे अंदर, और हमारा प्लान था स्ट्रॉबेरी शेक पीने का। दीपिका ने बोली मैं ऐसा स्ट्रॉबेरी शेक पिया दूंगी, तमने कदे कौन पिया होगा। सबसे बड़ा टास्क था ये स्ट्रॉबेरी काटना, क्योंकि ये पानी में धोने के बाद जमा बर्फ वर्गी शीली हो रही थी, हमारे हाथ भी जम रहे थे। पियेंगे स्ट्रॉबेरी शेक पियेंगे। जय, कैसा लग रहा है राजस्थान से ऐसे बर्फ में आके? अच्छा लग रहा है। आवाज नहीं आ रही है आज, जाम हो गई तो। भाई जय तो पहली बार पहाड़ा में आया था, और वो भी इतनी बर्फ में, इसके हाथ जाम हो रहे थे, पहला एक्सपीरियंस था ना इसका। हम अपनी कुर्सी टेबल लेके पहुंच गए थे बाहर, बाहर जमा बर्फ पड़ने हो रही थी, हवा चल रही थी, कसूती डालते, और उसमें बनाया हमने अपना शेक और पूरा एंजॉय करा। मोहित और जय तो नाट के बोला ऐसा शीला शेक हम तो पीवा को नहीं। थोड़ी देर बाहर घूमने के बाद हम आगे रूम में, और हमने हीटर ले लिया था क्योंकि ठंड बहुत घनी हो रही थी। भाई ने हीटर भी इतना बड़ा दिया है, मगर भाई तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जी जावांगे हम तो इस हीटर के सहारे। बैठ के रात का खाने की प्लानिंग करने लगा हो रही थी, इतनी देर में बाहर तो जोर जोर से आवाज आने लगी है, कदे हवा की कदे बिजली की। बाहर जाके देखा तो मौसम कसूता खराब हो गया था, तूफान आ गया था। थोड़ी देर में शुरू हो गई थी बारिश, और बारिश तो की थी, पानी की बूंद तो थी एक ओनी, माइनस में टेम्परेचर था, इस वजह से वे जमकी पड़न लग रहे थे, छोटे छोटे ओले टाइप। दीपिका कसूती डालते बाट देखने लगी थी। दीपिका और जय खातर तो ये पहला एक्सपीरियंस था स्नोफॉल का, हमने तो पिछले साल भी देखी थी। और कमेंट करके बताइयो भाई किस किस ने लाइव स्नोफॉल देख ली। कोई तो जय तो इ भी बाहर को नहीं आए, बोले इसे जाडा में मारी तो अक्कल कौन मारी जा रही की हम बाहर जाके खड़े हो, हमारे
कोई बात को नहीं, रपिये लगा की धन फूक की इतनी दूर आ रहे हैं, हम तो इंजॉय करेंगे पूरा। बार ही मोलिया था 9 बजे का, और आड़े जो भैया थे उनने कही थी कि किचन 10 बजे तक खुली रहा करे। मैं चलो न्यू करो, खाने की तैयारी कर लो। बहुत देर मेन्यू पढ़ने के बाद ऑर्डर करा था, पंजाबी दाल तड़का, जीरा आलू और साथ में रोटी। दही मंगवानी थी लेकिन दही भैया बोले की सप्लाई नहीं हुई आज, इसलिए है नहीं। भाई जिसा खाना हमने उम्मीद करी थी उसका घना स्वाद खाना खुआया भाई ने, ये जीरा आलू तो घने टेस्टी थे। इसी के साथ आज का हमारा दिन खत्म हो जाए, और आज का व्लॉग भी कमेंट करके जरूर बताइयो आपने व्लॉग किसा लग गया, और बढ़िया लग गया हो तो शेयर कर दियो। जयराम जी की।